हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान। माय नेम इज़ अभिषेक और हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बारे में कि उनका बीच में जो विवाद हो रहा है उसका क्या कारण है और उसकी वजह से जो दुनिया भर के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है इसे फिर से रिकवर होने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। Explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. He said that Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. After Russian friends, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। अब सवाल ये है कि भैया क्यों हमला किया उसने यूक्रेन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। नाटो का सदस्य अगर रूस यूक्रेन बनता है तो यूक्रेन पर अगर कोई भी हमला करेगा, कभी रूस भी अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो पूरी नाटो सेना मिलकर रूस के ऊपर हमला करेगी, जिससे रूस का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो के सदस्यता मिले। नाटो के अंदर करीब 30 देश आते हैं, 30 बड़े देश, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और ख़ुद अमेरिका भी आ गया, और अमेरिका उनका लीडर है। अमेरिका और रूस के अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए रूस को परेशान करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलवा रहा है। इस चीज़ को रूस अच्छे तरीके से समझता है। उसने पहले वार्निंग दी, वो नहीं समझे तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो जो हमला हुआ उससे पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट था वो गिर गया, बुरी तरह से गिरा। यहाँ हमारा इंडिया का मार्केट भी गिर गया। तो अब सवाल ये है कि क्या अब हमें इन्वेस्टिंग करना चालू कर देना चाहिए, जैसा कि मार्केट गिर गया। और एक सवाल ये भी आ सकता है कि भैया जो मार्केट है ये वापस बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, कितना टाइम लेगा, क्या एकदम से वापस रिटर्न जंप मार लेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट के सेंटीमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है और मार्केट बहुत वीक है। तो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो फ़िलहाल आपको उससे बचना चाहिए, जैसा ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और सेकेंड थिंग्स ये भी है कि जब मार्केट करीब 3 सालों तक बुल रन में रहता है तो उसके बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज चला जाता है, यानी उसका साइडवेज टाइमिंग शुरू हो जाता है। तो पिछले 3 साल 2019 के बाद से ही मार्केट बुल रन में दिखा, बीच में कुछ डाउन आए, कोरोना का डाउन हमने देखा, पर उसके बाद एकदम से मार्केट ने वी शेप बनाते हुए रिकवरी करी और मार्केट ने अपना बुल रन कंटिन्यू करा। फ्रेंड्स, अब जो है मार्केट 3 साल के बुल रन के बाद एक साइडवेज ट्रेंड में चेंज हो गया है और कुछ मंथ तक मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही रहने वाला है। इसलिए अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पोजीशन बनाने की लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आपको उससे बचना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो आप म्यूचुअल फंड SIP में जा सकते हैं, वो अभी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और रही बात मार्केट गिरने की, तो फ्रेंड्स, मार्केट तो गिरता रहेगा, बाउंस बैक करता रहेगा, ये मार्केट का नेचर है, बेसिक नेचर है, ये चलता रहेगा, आपको इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जब सबका मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट जल्दी ऊपर आता है, रिकवरी जल्दी होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अगर सबकी लाइट अगर गई हुई है तो लाइट जल्दी आ जाएगी, अगर आपके अकेले के घर की लाइट गई है तो लाइट आने में टाइम लग सकता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड का मार्केट गिरा है तो रिकवरी भी जल्दी हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है और लगातार सीखते रहना चाहिए। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो या आपका कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए।